टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके अब उन्होंने अपने स्क्वाड में छेड़छाड़ करी है। 25 मई तक आप सभी को याद होगा कि 25 मई तक सभी टीम्स अपने स्क्वाड में छेड़छाड़ कर सकती हैं, किसी को बैठा सकती हैं तो किसी को शामिल कर सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा ही बड़ा और इंपॉर्टेंट कदम उठाया है। तो क्या कुछ उन्होंने स्क्वाड में छेड़छाड़ करी है, चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। आईपीएल 2024 के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज 2 जून से हो जाएगा। इसकी मेजबानी इस बार वेस्टइंडीज और अमेरिका के हाथों में दी गई है। पहली बार ये दोनों ही टीम्स मिलकर, दोनों ही देश मिलकर साथ में कोई बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करने जा रहे हैं। लगभग आपको 20 टीम्स खेलती हुई नजर आएंगी और इन 20 टीम्स को 4 के ग्रुप में डिवाइड करा गया है। आपको बता दें कि 4 ग्रुप भी बनाए गए हैं। इन सभी टीम्स को लगभग 55 मैचेस खेलने पड़ेंगे, तब जाके 26 जून को एक विनर तय होगा, विजेता तय होगा, क्योंकि फाइनल शोडाउन 26 तारीख को देखने को मिलेगा, 26 जून को देखने को मिलेगा। अब आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया था। 4 मई को उन्होंने अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया था जिसमें सभी खिलाड़ी मौजूद थे। स्टीव स्मिथ को मौका नहीं मिला था, मिचेल मार्श कप्तानी करते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें मिचेल मार्श ने पिछले 12 महीनों में बतौर कप्तान 3 इंटरनेशनल सीरीज में कप्तानी करी है और कप्तानी के साथ साथ अपना लोहा भी मनवाया है बल्लेबाजी का, काफी गजब की बल्लेबाजी भी वो करते हैं। साथ साथ आपको बता दें स्टीव स्मिथ का ना होना थोड़ा सा फैंस को झटका जरूर लगा था, क्योंकि स्टीव स्मिथ ओजी माने जाते हैं, यानी ओल्ड गैंगस्टर माने जाते हैं, बड़े पुराने खिलाड़ी हैं और अनुभवी खिलाड़ी हैं, बट उनको इस तरीके से ड्रॉप करना थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड का, ऑस्ट्रेलिया टीम का ये बोल्ड स्टेप देखने को मिला था। अब आपको बता दें कि ये तो सारा मामला हो गया था, स्क्वाड अनाउंस हो गया था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने ट्रेवल रिजर्व का अनाउंसमेंट भी कर दिया, क्योंकि जब 4 मई को अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट ऑस्ट्रेलिया ने किया था उस टाइम पे ट्रेवल रिजर्व के तौर पर खिलाड़ियों के नाम उन्होंने सामने नहीं रखे थे, लेकिन अब दो बड़े खिलाड़ियों को मौका भी मिला है। वो दो बड़े खिलाड़ी हैं, एक तो जैक फ्रेजर मैगक, इनको मौका मिला है, साथ साथ मैट शॉट यानी मैथ्यू शॉट को भी मौका मिला है। जैक फ्रेजर मैगक को आईपीएल 2024 में उन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, 9 मैचों में 330 रन की पारी खेली, 9 मैचों में 330 रन बनाए गजब के 150 के स्ट्राइक रेट से, तो वो बहुत ही ज्यादा कमाल का था। साथ साथ अगर मैथ्यू शॉट की बात करें तो मैथ्यू शॉट एक ऑलराउंड प्रदर्शन करके देंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम को। तो इन दोनों खिलाड़ियों को एज अ ट्रेवल रिजर्व ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने साथ ट्रेवल करवाएगी। जैक फ्रेजर मैगर्क के लिए बहुत ही बड़ा ये मौका है, क्योंकि आईपीएल 2024 में उन्होंने अपना डेब्यू करा, आईपीएल का डेब्यू करा और फर्स्ट ए क्रिकेट यानी लिस्ट ए क्रिकेट में भी ऑस्ट्रेलिया के लिए वो शतक जड़ चुके हैं, अच्छे खासे रन्स बटोर चुके हैं। तो उनका टीम में आना भले ही ट्रेवल रिजर्व के तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और जैक फ्रेजर मैगर खुद के लिए भी, क्योंकि महज 21 साल के खिलाड़ी हैं और 21 साल में अगर कोई खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेल रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ है। बात करें मैथ्यू शॉट की तो ऑलराउंडर प्रदर्शन करके देंगे, और आप सभी लोग जानते हैं कि जिस टीम के पास सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर्स होते हैं वही टीम कहीं ना कहीं बाजी मार जाती है। तो इसीलिए मैथ्यू शॉट का इंक्लूजन करना ऑस्ट्रेलिया टीम को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फायदा जरूर देगा। अब आप कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि जैक फ्रेजर मैगर्क और मैथ्यू शॉट इन दोनों के आने से ऑस्ट्रेलिया टीम की और ज्यादा स्ट्रांग होगी या फिर नहीं। कमेंट्स करके अपनी राय मुझे जरूर दीजिए।